दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो मार्केट के ऊपर नजर डालेंगे। मार्केट एक बहुत बड़े डिप के बाद दोबारा से रिकवर कर रही है, आपके सामने है। बीटीसी जो है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी 36,939 पे अब दोबारा से आ चुका है, और पहले तो तकरीबन मेरे ख्याल 32,000 तक ये गया है नीचे में। बिल्कुल पहले इसको चेक कर लेते हैं एक दफा। आई थिंक 32,000 को इसने आज के दिन में टच किया है 24 आवर्स। बिल्कुल जी ये देखें 30,415 तक बल्कि नीचे गया, और बहुत ही हैरानगी वाली बात थी। उसके अलावा बाकी भी तमाम आल्ट कॉइंस जो हैं बहुत ज़्यादा नीचे गए हैं, मगर इस दफ़ा मैं ये कह सकता हूँ कि हर दोस्त ने बहुत ही अकलमंदी से एक काम किया है कि जो ही डिप में गए हैं तमाम आल्ट कॉइंस, आप सब ने एक अच्छा काम किया कि आप लोगों ने कॉइंस को बाय करने की है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट टू बाय द टोकन्स। और आपके सामने तमाम कॉइंस, जितने भी कॉइंस हैं, स्पेशली ये जो पहले 100 की अगर हम लोग बात करें तो पहले 100 कॉइंस जो हैं ये सबसे ज्यादा नीचे गए हैं एकदम से। एटलीस्ट कोई 35% 40% के करीब करीब नीचे गए हैं, और वहां पे जिन जिन दोस्तों ने बाय किया, और अब डेफिनेटली आप लोगों को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो मार्केट तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी चल रही है, अब दोबारा से एक अच्छी रिकवरी की तरफ जा रही है, और उम्मीद कर सकते हैं कि इस दफा पहले से ज्यादा पंप मारेंगे तमाम आल्ट कॉइंस। मतलब जितने छोटे मोटे जितने भी आल्ट कॉइन हैं सारे के सारे अच्छा खासा पंप अप मारेंगे। ये जो डिप आया था, एक तो चाइनीज न्यूज़ की वजह से, उसके अलावा एलॉन साहब जो हैं उनके उल्टे पुल्टे जो ट्वीट्स हैं उसके हवाले से। बट यहाँ पे एक ज़रूरी बात आप लोगों को बताता हूँ, मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था पिछले दिनों, तो मतलब ये कोई पिछले 2-3 दिनों की आपको जो है ना सिनेरियो थोड़ा सा समझाता हूँ। तो उन आर्टिकल्स के अंदर एक चीज़ बहुत ही कॉमन नज़र आई, और वो चीज़ कॉमन क्या थी कि भाई ये जितने भी, ठीक है, मतलब एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है इंडिया के, तो उनकी तरफ से एक छोटा सा उनका एक इंटरव्यू लिया गया था, और उसके अंदर पूछा गया था कि भाई क्रिप्टो करेंसी जो है वो आया, मतलब एक ये एलॉन मस्क साहब के ट्वीट से ये हुआ सारी उनसे बात की गई। तो उन्होंने एक सिंपल सा, उन्होंने कहा आई एम नॉट अ गुड ऑब्जर्वर, और ना ही क्या कहते हैं मुझे ज़्यादा पता है अपना क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, बट जो मतलब जितना मैंने सुना हुआ है कि ये एक डेक्स है, डिसेंट्रलाइज्ड है तकरीबन काफ़ी हद तक क्रिप्टो करेंसी। तो उन्होंने कहा एक बंदे के इस तरह की हरकत करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त वास्ट जो अपना बिजनेसेस हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो एक मतलब वास्ट कम्युनिटी है जो कि आ रही है टूवर्ड्स क्रिप्टो डे बाय डे, तो डेफिनेटली प्राइस पंप होने के चांसेस। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, एंड वाली बात मैं अपने पास से लगा रहा हूँ कि भाई ये जो मतलब पंप है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है बहुत जल्द अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी में। तो एक बंदे के इस तरह की कोई भी बात करने से कुछ ना तो फायदा होगा ना नुकसान। हाँ, फायदा ये हो सकता है कि वक्ती तौर पर एक अच्छा पंप की तरफ कोई भी कॉइन जा सकता है, मगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मगर इस वक्त जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ओवरऑल, और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत नफरत खा रहे हैं एलॉन मस्क साहब के साथ। इसके हवाले से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मगर आज की वीडियो में अब जो एक जरूरी चीज है, जो एक टोकन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, एलॉन मस्क पीएचडी इज नेम्ड एज द डायरेक्टर ऑफ अ यूके कंपनी कॉल्ड एलॉन स्पेस। दोस्तों ये क्या चीज है, मैं ये आपको समझाने लगा हूं। अब प्रोबेबली इस टोकन में आप लोगों को एक पंप देखने को मिल सकता है, ES3 के नाम से इसका नाम है, ठीक है, ये इस टोकन का नाम है ES3। इस वक्त BSC स्कैन के ऊपर मौजूद है, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो आप लोग इसके अंदर थोड़ी सी एंट्री ले लीजिएगा ES3 के अंदर। ज़्यादा एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसे लगाने हैं इस पर, ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम कोई $15 to $20, इट्स मोर देन इनफ। खैर यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा अगर देखते हैं तो ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट किया, द बिजनेस मॉगल क्विट His doctorate program after 2 days and never earned a PhD. अच्छा, ये इनका एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है बेसिकली एलॉन स्पेस के नाम से, ठीक है। तो ये जो है इसी हवाले से इसके बारे में 2-3 जगह पे, यहाँ से मैं आप लोगों को इसकी वेबसाइट भी दिखाता हूँ, तो 2-3 जगह पे एलॉन साहब ने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है कि भाई ये क्या कहते हैं एक प्रोग्राम होगा एलॉन स्पेस करके। तो उस हवाले से ये एक टोकन आया है ES3, और इसके हवाले से थोड़ा कॉइन का हिंट देते फिर रहे हैं वो जगह। तो प्रोबेबली ये वाला कॉइन उसके लेवल पे काम कर सकता है, या सेकेंडली आप ये भी कह सकते हो कि हाँ भाई इसकी जो टीम है वो मुकम्मल इस वक्त इनके साथ जो है इंटरेक्ट है। आई एम नॉट एज मच श्योर कि हाँ भाई ये एलॉन मस्क का ही प्रोजेक्ट है, बट आई एम बिट श्योर कि हाँ भाई कुछ ना कुछ जरूर चक्कर है। उसकी रीज़न एक ये है
कि पिछली एक दो ट्वीट्स, अगर आप पिछले एक हफ्ते की ट्वीट्स अगर इलॉन मस्क साहब की निकालो, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई हम क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी रीज़न क्या है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो यूज़ करती है, मतलब जो BTC है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, एंड वी आर गोइंग टू लुक ऑन एनी टाइप ऑफ टोकन जो कि बहुत कम अपना एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करे। तो उस हवाले से यहाँ पे अगर आप देखो हाइड्रो सोलर माइनिंग फार्म्स, अच्छा अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पता चल ही गया होगा कि जो अपना सोलर पैनल लगा के उस पर फार्म्स को चलाने का ये जो मुकम्मल तरीका है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट है काम कर रहा है ES3। तो अब आप लोग खुद समझने की कोशिश करो कि देखो ना एक चीज़ है, हिंट होता है ना कि छोटा 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 हिंट, ठीक है। तो उस हवाले से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कॉइन इस तरह काम करने वाला है कि हाँ भाई ये कोई पंप मारेगा। खैर मैं इसमें ऐसा करूंगा कि इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है ये वाला 0x75 वाला, इसको शेयर करूंगा आपके साथ व्हाट्सएप के डिस्कशन और साथ साथ टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में। पैनकेक स्वैप्स एक्सचेंज से आप लोग जाके इसको डायरेक्टली बाय कर लीजिएगा अभी के अभी, स्लिपेज टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, और ओवरऑल कॉइन अच्छा लग रहा है। बट अभी वक्ती तौर पे ये कहना कि हाँ भाई ये बाइनेंस एक्सचेंज पे आ जाएगा या किसी और बड़ी एक्सचेंज का मैं नाम लेके कहूँ कि हाँ भाई उधर आ जाएगा, तो इट्स नॉट एज मच अप्रोप्रिएट। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम हाँ कुछ ना कुछ इस कॉइन में होगा ज़रूर ES3 में, तो लाजमी इसको चेक कर लीजिएगा। और मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि हाँ ये कॉइन कुछ ना कुछ दे के जा सकता है। फिर कहूँगा बार बार कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, और ना ही मैं ये कहूँगा कि हाँ भाई लाजमी इसको बाय करो। अगर पसंद आता है ये टोकन तो इलॉन स्पेस के नाम से ES3 इसका नाम है, तो थोड़ी सी एंट्री से मुराद है यार, मैं नहीं कहता 1 BNB, आप लोग सिर्फ और सिर्फ जाओ 0.04 BNB, बस इट्स मोर देन एनफ फॉर यू। बस इतनी सी एंट्री लेके आप लोग रख लो, और अगर चल गया तो दी बेस्ट है, ना चला तो हमारी किस्मत, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर मार दीजिएगा। उसके अलावा एक और ज़रूरी बात यह कि भाई पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखो, ये जो इस तरह के अपना फंड्स आते हैं ना छोटे, इन फंड्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किनको होता है, जिन्होंने ऑलरेडी अपने मतलब क्या कहते हैं ये होता है कि उन लोगों ने पैसे रखे होते हैं साइड पे कि भाई जो ही फंड आएगा उसके बाद हम लोग फटाफट बाइंग की तरफ जाएंगे, तो इट्स नॉट अ बिग डील एज मच। और ये थोड़ा बहुत आना ही थी करेक्शन, अच्छा हो गया इसी लेवल पर करेक्शन आई है, तो डेफिनेटली हम लोग मजीद अच्छे पंप की तरफ जा सकते हैं बहुत जल्द। थैंक्स अ लॉट।